राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली के बदरपुर इलाके में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक यूजीआर का उद्घाटन करने पहुंचे। 1,00,000 गैनेज की क्षमता वाले इस यूजीआर के चालू होने से बदरपुर इलाके में पानी की किल्लत खत्म हो जाएगी। 2.5 साल तक इन्होंने एलजी साहब को जाके कहा मोहल्ला क्लिनिक की फाइल रोक लो दो, इन्होंने एक भी अच्छा काम नहीं करा। सारे कामों में अड़चन लगाई, आपके सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने दिए, आपके मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनने दिए, आपके बिजली के रेट कम कर रहा था उसकी फाइल रुकवाई एलजी से। हर काम में अड़चन लड़ाई, हर काम में अड़चन लड़ाई, हर काम में अड़चन लड़ाई दोस्तों। इन लोगों आज अगर दिल्ली में 700 सांसद आम आदमी पार्टी के होते भाई साहब, उनकी 9,000 रुपए तनख्वाह हो गई भाई। बहुत तकलीफ होती है मेरे को, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से मैं उन सबको आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं हिम्मत हारने वाला नहीं हूं। इन्होंने हर काम में अड़चन लड़ाई, हर काम में इनसे लड़ लड़के करवा के ले आया। आपकी जो तनख्वाह कम हुई है, 3 से 4 महीने के अंदर आपकी तनख्वाह दोबारा बढ़वाई है। दोस्तों आप लोगों को सोचना पड़ेगा, दिल्ली के अंदर मेट्रो के दाम बढ़े, बीजेपी वालों ने बढ़ाए। आज अगर दिल्ली में 700 सांसद आम आदमी पार्टी के होते, इनकी हिम्मत नहीं थी जो मेट्रो के दाम बढ़ा दे आप लोगों ने। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यूजीआर के साथ साथ बदरपुर इलाके में सीवर डालने की भी घोषणा करते हुए पूरे दिल्ली में डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी भी की घोषणा की है, जिसके माध्यम से दिल्ली सरकार के अधिकारी घर घर जाएंगे और राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और कास्ट सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स लोग अपने घर बैठे बनवा सकेंगे। SPN 9 न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।